राइट सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई सजेस्ट यू कि जो पहला वीडियो अभी सर ने किया था सीट ताकि आपको पता चले कि आपका जो भी रैंक है वो किस कैटेगरी में आउट कर रहा है चाहे आप एस सी कैटेगरी से हैं जनरल कैटेगरी से ओबीसी से हैं एस सी से हैं एस टी से हैं किस रैंक पे आपको क्या सीट मिलने की एक्सपेक्टेशन है उसी अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग को भरिए सो so, आज का वीडियो जो अभी मैं आप आप लोगों के लिए बना रही हूँ इट इज जस्ट फॉर द कॉज कि जो हमारा प्रोसीजर है ऑनलाइन काउंसलिंग का उस प्रोसीजर को आपको कैसे फॉलो करना है कल आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे सो यू मस्ट बी रेडी विद ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स स्पेशली टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन एंड आधार कार्ड योर मोबाइल नंबर योर स्कैंड सिग्नेचर्स सो दीज ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी वेरी मच रेडी विद यू पीपल एंड मे बी आप लोगों में से काफी बच्चों ने वो चीज कर भी ली होगी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिए होंगे सो मे बी अगर कोई बच्चे पीछे रह भी गए हैं तो डोंट वरी दिस स्टिल टाइम बट ट्राई टू अपलोड योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ करेक्ट मैनर बाय सेवनटींथ ऑफ नवंबर टिल टूमो बिकॉज ये वेट मत कीजिए कि हाँ अगला चांस भी मिलेगा सो so कभी भी कुछ भी गलत अपलोड मत कीजिए अगर आपको किसी तरह की कोई भी करेट की जरूरत है सो आर नंबर्स आर ऑबियसली मेन्शन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे नंबर ले सकते हैं और कभी भी आप हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज इट इज नाउ ऑनलाइन काउंसलिंग इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग पहले क्या होता था कि यू हैव टू विजिट पर्सनली टू द नियरस्ट एन आई टी विद ऑल योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरफिकेशन बट फ्रॉम टूडे फ्रॉम दिसर टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑनवर्ड्स इट इज अ ऑनलाइन काउंसलिंग सो बी वेरी वेरी रेगुलर जस्ट इट अ टेन मिनट्स इट विल जस्ट टेक टेन मिनट्स आप दस मिनट में ही आपको अपने सारे

फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं सब सब आज आपको इकट्ठे करने हैं राइट सो ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन ऑन दिस आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है सो यू हैव टू रिकॉर्ड ऑनलाइन यू हैव टू गो थ्रू देयर वेबसाइट दैट nimset.in वहां पर जाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर यू हैव टू गो टू द

They have selected and filled their choices of NITs using a choice filling tab. So there you will see a tab that is a choice filling tab and fill your choices and upload and update documents for which they have given the undertaking also. So firstly, upload right you have to collect your all the documents. So Jin students documents upload they need not to. अपलोडेड बट अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट मिसिंग को है डॉक्यूमेंट सो मेक इट वेरी वेरी श्योर कि आप लास्ट डे कोई भी आप ट्रबल ना क्रिएट करें अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक टाइम पे अपलोड कर दें निमसेट की वेबसाइट के ऊपर सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी लॉकड सो ऑल द कैंडिडेट मस्ट लॉक देर चॉइस ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग अप द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ज ट्यूजडे सेवनटींथ नवंबर ट्वेल्व नून टू सैटरडे ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर फाइव पी एम सो डियर स्टूडेंट इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर आप 21 नवंबर 2020 हजार पांच बजे के बाद सोचते हैं कि मैं इसको लॉक कर दूंगा मैं भर के रख देता हूं मैक्सिमम मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि व्हाट दे डू इज कि मैं इसको भर देता हूं लास्ट टाइम पे मैं अपने टीचर से कंसल्ट करूंगा फ्रेंड से कंसल्ट करूंगा उसके बाद मैं इसको लॉक कर दूंगा बट चांस अगर आप किसी भी इमरजेंसी में फंस जाते हैं और वो लॉक करना भूल जाते हैं देन यू कांट लॉक योर चॉइस अगेन उससे आपको एनआईटी विल थिंक यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग उंड काउंसलिंग सो दे रिमूव यू फ्रॉम द काउंसलिंग सो प्लीज मेक इट वेरी वेरी श्योर कि आप सतरा नवंबर 2020 12 बजे से शनिवार को 21 नवंबर 2020 तक 5 बजे तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देंगे एंड <laughs> अपने सीट लॉकिंग भी कर देंगे एंड उसके बाद जो कैंडिडेट है चॉइसिस बिटवीन द डिकलेयर डेट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड टू टेक पार्ट इन द ऑनलाइन काउंसिलिंग So make it very sure and be ready with all your... If you have any doubts in choice filling, you can call Informat's office and you can contact us for the counselings also. So we are always available. So all the numbers of the Informat's office are given in the description. Or you can text us on our WhatsApp number. Or you can... मैसेज ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो सो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल सो यू कैन लॉग इन थ्रू वेरियस मेथड आप हमें किसी भी मेथड के थ्रू रीच कर सकते हैं ऑल द लिंक राइट सो पहली चीज द फर्स्ट काउंसलिंग ऑब्वियसली मेक श्योर दैटारा को सतारह से इक्कीस के बीच में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज अपना आपने जितने भी आपके चॉइस फीलिंग है वो लॉक करनी है एंड येस yes, कभी कभी ऐसा हुआ है कि ड्यू कोविड

जब आप अंडरटेकिंग दे देते हैं कि अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है तब आप वो सर्टिफिकेट उस टाइम पे डिपॉजिट कर सकते हैं जब आपकी रिमोट रिपोर्टिंग है दैट जब आपको फिजिकली किसी एनआईटी पे रिपोर्ट करना है दैट इज इन द ड्यूरिंग द थर्ड काउंसलिंग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग इज अ रिमोट रिपोर्टिंग काउंसलिंग उस टाइम पे आप अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं राइट सो ऑल सच कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड द वैलिड मार्कशीट्स ग्रेड शीट्स ई डब्ल्यू एस ओबीसी सर्टिफिकेट्स और हमेशा याद रखिए कि जो ईडब्ल्यू एस जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं ओबीसी एस सी एस टी ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट्स वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके एक चार दो हजार बीस के बाद के बने होने चाहिए अगर आप कभी ये पूछेंगे मैम मैंने तो अभी एक मार्च दो हजार बीस को अपना सर्टिफिकेट बनवाया है तो मैं क्या वो अपलोड कर दू चलेगा नहीं चलेगा आप डिस्कालीफाई हो जाएंगे सो so प्लीज अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं अभी भी आपके पास टाइम है आप अपना जाइए या तहसीलदार ऑफिस में जाइए वर्क अपने सर्टिफिकेट्स को रिन्यू करवाइए और फिर वो रिन्यूड सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं आप ये भी नहीं कहिए कि मैम एक तीन दो हजार बीस वाला तो अपलोड कर देता हूं बट जब मैं रिमोट रिपोर्टिंग पर जाऊंगा न्यू वन नो क्योंकि जब आपने एक बार अपलोड कर दिया आपको वही सर्टिफिकेट वहां पे शो करना है जो आपने अपलोड किया है ये मत सोचिए कि हाँ मैं अभी ये कर देता हूं लेटर ऑन मैं जब रिमोट रिपोर्टिंग को जाऊंगा तो मैं अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट दे दूंगा शो करने के लिए कि मैं एस सी एस टी से हूं वंस योर सर्टिफिकेट इज अपलोडेड एंड इफ यू अपलोडेड इन करेक्ट सर्टिफिकेट देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉरमस्टांसेस राइट सो मेक इट श्योर अभी भी टाइम है आपके पास तो मूव टू एस ऑफिस ऑफ द एडिशनल जज जो भी हैं या अगर आपके साथ कोई जुडिशरी है राइट right, कुछ भी है या हाँ यस एक और बात ड्रॉप सर्टिफिकेट वेदर अदरवाइज तो वैसे कोई एन आई टी ड्रॉप सर्टिफिकेट मांगती नहीं है बट येस yes, आपको वो ड्रॉप सर्टिफिकेट हो सकता है कि स्पॉट काउंसलिंग में प्रोड्यूस करना पड़ जाए सो so, अगर आप में से वो स्टूडेंट्स हैं अगर वो ड्रॉपर्स हैं सिंपली विजिट नोटरी वहाँ से अपना एक ड्रॉप सर्टिफिकेट बनाइए अदरवाइज अभी तक लास्ट ईयर तक कभी भी एन आई टीज ने ड्रॉप सर्टिफिकेट नहीं मांगा बट फिर भी है तो अच्छी बात है बिकॉज ऑन ऑन स्पॉट अगर वो मांगेंगे आपसे काउंसलिंग में तो वो मुश्किल हो जाएगी so, जितने भी आप सर्टिफिकेट्स हैं वो अपने आप बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार रखिए सारे सर्टिफिकेट्स आपके एक चार दो के बाद के बने होने चाहिए राइट एंड यूर नॉट यू वॉन्ट भी अलाउड टू अपलोड दीज सर्टिफिकेट्स लेटर ऑन जैसे कि आप लोग कहें कि आपके आधार कार्ड फोन नंबर सिग्नेचर्स कोई भी अपने चेंजेस करने हैं आप उसको टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग के ड्यूरेशन में कर सकते हैं जब आपका फॉर्म ओपन है उसके बाद जब आप लॉक कर देंगे यू आर यू वोंट बी अलाउड टू हैव अ स्टेशनरी चेंजेस नो यू कैन चेंज योर फोटोग्राफ यू कैन चेंज योर सिग्नेचर्स योर फोटो आई डी दैट इज आधार कार्ड सो ये सब टेंथ ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की मार्कशीट्स राइट right? और अगर आपने अंडरटेकिंग लगाई है यूर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स सो यू मस्ट अपलोड कैंडिडेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल स्टूडेंट हुर अपेयरिंग एन हु थर्ड ईयर यू मस्ट डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग फ्रॉम एचओडी और द प्रिपल ऑफ द कॉलेज अभी कॉलेज खुले हैं राइट हालांकि अभी आप कहेंगे कि मैम छुट्टियां चल रही हैं बट अगर आप देखेंगे तो कॉलेज का जो क्लरिकल स्टाफ है वो वर्किंग है ठीक है सो मूव टू योर कॉलेज वहां पे आप एक परफॉर्मा है एन आई टी की साइड पे आई बी शोइंग इन माई पीपीजो इट इज देयर अ परफॉर्मा इज देयर टेक दट परफार्मा आउट उस परफॉर्मा के ऊपर आप के वाईस प्रिंसिपल के सिग्नेचर्स या फिर वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इन दोनों में से किसी के सिग्नेचर्स भी चलेंगे या सेक्रेटरी हो तो उसके भी चलेंगे आपको सिर्फ कॉलेज के स्टैंप लगानी कि यू आर अपेयरिंग स्टूडेंट

और काफ़ी बच्चे इसको ध्यान नहीं भी देते बिकॉज ये लास्ट पेज पे होता है तो काफी बच्चे इस चीज़ को ध्यान नहीं भी देते बिकॉज काउंसलिंग के ड्यूरेशन में ये मेंशन नहीं होता सर्टिफिकेट इसलिए सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है सो मेक इट वेरी श्योर दैट यू हैव टू गेट इट इ और जब भी आपने रिमोट रिपोर्टिंग पे जाना है देन यू हैव टू प्रेजेंट दिस सर्टिफिकेट टू द अथॉरिटीज़ इन फिजिकल यू हैव टू गिव द ऑरिजिनल कॉपी ऑफ इट अभी तो आप अपलोड करेंगे सो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट एंड कैंडिड्स ऑफ फेल टू अपलोड द रिक्वायर्ड वैलि कास्ट कैटेगरी ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी कैंडिडेट अपना गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं या नहीं करते हैं उनको जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कैटेगरी सो आपकी कैटेगरी वहां पर फिर कामयाबी ये भी नहीं कह सकते कि मैम मेरी तो कैटेगरी थी पर मुझे कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिली सो so, वो गलती आपकी है वी हैव गिवन यू मैनी टाइम्स की आप अपने सर्टिफिकेट्स प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर तरह से अपलोड कीजिए राइट right? सो so, इफ यू अपलोड अ रॉन्ग सर्टिफिकेट ये नहीं कि आपको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा यू आर एबल एलिजिबल टू सिट इन द काउंसलिंग बट अगर आप गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं या पिछली डेट का कर देते हैं तब आप जनरल कैंडिडेट काउंट होंगे आप कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट नहीं होंगे राइट सो प्लीज इंश्योर दट ओबीसी एस सी एस टी ईडब्ल्यू एच सर्टिफिकेट विच आर अपलोडेड बाय द कॉम्प्यूट अथॉरिटीज

काफ़ी बच्चे बहुत होशियार हैं पहले करके बैठे होंगे ऑब्वियसली बिकॉज सबको टेंशन होती है कि एन आई टी की सीटें खराब ना हो जाए मेरी मैंने इतनी मेहनत की है पूरा साल एक साल मैं पढ़ा हूँ और मुझे एक अच्छी सीट चाहिए तो हर एक बच्चा थोड़ा कॉन्शियस होता है बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनको अवेयर लैक ऑफ अवेयरनेस होता है सो so, ऐसे हम जो वीडियोस बनाते हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको थोड़े से लैक ऑफ अवेयरनेस है दे मस्ट गेट द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम सो फर्स्ट राउंड ऑफ द अलॉटमेंट चॉइस फिलिंग एंड अपलोडर्ड आई डी से वहां पर आएगा ओपन द टैब चॉइस फिलिंग एंड फिल द चटरडे इक्कीस ग्यारह दो हजार बीस तक आप इसको लॉक कर सकते हैं प्रायर ट्राई कीजिए बीस तारीख को लॉक कर दीजिए इक्कीस तारीख का टेंशन मत लीजिए बीस तारीख तक इसको लॉक का बटन दबा दीजिए एंड द फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट आपने 21 तारीख को लॉक किया 26 ग्यारह को आपके पास आपकी ईमेल आईडीज़ के थ्रू या फिर जब आप वही पोर्टल खोलेंगे आपको आ जाएगा कि आपको कौन सा एनआईटी अलॉट हुआ है एंड सिमिलरली जब आपको कोई भी एनआईटी अलॉट हुआ है देन फी पेमेंट्स आर मस्ट टू बी डन सो अगेन आपको कुछ ज्यादा नहीं पे करना जैसे आपको फी अलॉटमेंट कुछ हो जाता है वहां पर आपको ऑप्शन आता है फी पेमेंट दस हजार रुपए बस आपने देने फॉर द फी पेमेंट्स ऑल एंड यू कैन लॉक योर सीट वहां पे आपको दो ऑप्शन आएंगे एक आएगा अपग्रेड और एक आएगा लॉक अगर आपको लगता है कि आपको अपनी डिजायर्ड एनआईटी मिल गई तो आप लॉक कीजिए टेन थाउजेंड पे कर दीजिए राइट दैट मीन्स नाउ यू आर सिक्योर जैसे कि हमारे पास नाइन्थ रैंक के स्टूडेंट हैं दे वॉन्ट टू गो टू अगर दे वॉन्ट टू गो टू सूरतकुल और दे वॉन्ट टू गो टू त्रिची अगर उनको अपनी डिजायर एनआईटी मिल जाएगी तो दे विल लॉक देयर सीट और उनको अपना मिल गया एंड दे आर टेंशन फ्री नाउ एंड फाइनली उनके पास एक लेटर आ जाएगा राइट right? जो भी स्टूडेंट्स अपनी सीट लॉक कर देंगे उनके पास एक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा सो so, अगर कोई स्टूडेंट्स उस एन के थ्रू अपना लोन लेना चाहते हैं देर ओन मनी दे टू टेक वो उस अलॉटमेंट लेटर को लेके वो जा सकते हैं बैंक में और उस यूनिवर्सिटी की साइड पर जाकर आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है तो अराउंड अबाउट आपको उतना ही लोन बैंक सेंक्शन कर देता है ऐसा मत सोचिए कि आप जब भी जैसे आजकल हाँ सर मेरा रैंक आ गया जी मेरा नाइन्थ रैंक है मुझे इतना लोन चाहिए नो नो बैंक विल बी गिविंग यू द लोन जब तक आप अपनी प्रूफ नहीं देते हैं, तब तक बैंक आपको लोन इशू नहीं करता सो so, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में अपना चॉइस फिलिंग का लॉक कर दिया है

फॉर गेटिंग योर चॉइस fillings, राइट right? सो so, आप उसी के की अकॉर्डिंग कीजिए क्योंकि हम पर्सनली हर स्टूडेंट को ये कहते हैं कि बिफोर फिलिंग योर चॉइस फिलिंग फॉर्म डू वंस कंसल्ट विद आस सो इट इज बेटर टू कंसल्ट बिकॉज वी हैविंग द एक्सपर्टाइज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स इन द सेम फील्ड एंड डेफिनेटली जो हम आपको गाइड कर सकते हैं वो कभी कभी आपका दिमाग उस टाइम नहीं चलता है राइट सो इट्स अबाउट कि आप अगर आपको लगता है कि आपकी वो एन आई टी आपको नहीं मिली है एंड यू वॉन्ट टू अपग्रेड तो आप लॉक मत कीजिए आप अपग्रेड का बटन दबा दीजिए बट स्टिल देन यू हैव टू पे योर टेन थाउजेंड मेरे पास बहुत कॉल जैसे आते हैं मैम मुझे तो अपग्रेड करना है क्या मुझे दस हजार पे करना है येस दस हजार पे करना है आपको यू आर पेइंग इट क्योंकि यू आर अलॉटेड द सीट वंस अगर आप टेन थाउजेंड फीस नहीं पे करते उस टाइम पे देन यू वोंट बी एलिजिबल टू सिट इन द सेकेंड काउंसलिंग राइट सो फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग में उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा राइट इट विल बी ऑनलाइन वेरिफिकेशन और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी दे विल बी कॉलिंग यू आप और वो आपको ई कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं और कोई भी ऐसे इशूज कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में खड़े होते हैं ट्वेंटी टिल सेवन ट्व थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि वेन्सडे से मंडे तक वो आपको कॉन्टैक्ट करके जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगा और वो आपका सारे सर्टिफिकेट्स वेरी कर लेगा सो so दिस बिटवीन दीज स्टेट्स देर इज अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं को कॉल आएगा हर बच्चे को कॉल नहीं आएगा मैम मुझे तो कॉल आए नहीं आई एम वेटिंग फॉर द कॉल हर बच्चे को कॉल नहीं आएगा सिर्फ उन बच्चों को कॉल आएगा जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे ठीक हैं देन यू वॉन्ट बी रिसीविंग एनी कॉल एनी मेल्स राइट देन कम द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग सो आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी इट्स फाइन एंड द सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग आपको अलॉटमेंट होगी ग्यारह बारह को यानी कि ग्यारह बारह को आपको सेकेंड राउंड के लिए जब आप खोलेंगे अपना पोर्टल तो आपको दिख जाएगा कि व्हाट यू आर गेटिंग हो सकता है आपको सेम भी मिले अगेन सेम थिंग आइदर यू कैन अपग्रेड और लॉक योर चॉइसेस सो अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपके हाथ में है सो अगेन ऑनलाइन फी में काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पिछले में सीट नहीं मिली होगी बट अब मिली होगी राइट right? क्योंकि काफी बच्चे छोड़ेंगे सीट्स क्योंकि 11, 12 तक आप ले सकते हैं कि शायद एन के रिजल्ट के साथ साथ महाराष्ट्र का भी आउट हो जाए पुणे मेन कैंपस का रिजल्ट आउट हो जाए कुछ जे का आउट हो जाए डेली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आउट हो जाए उनको सीट अलॉटमेंट्स हो जाए हो सकता है वो दिल्ली का बच्चा हो वो दिल्ली में रहना चाहता हो तो वो अपनी सीट एन से क्विट कर सकता है क्या पता वो बच्चा जे जाना चाहता हो सो so, काफी ऐसे केसेस उठते हैं तो 11, बारह तक वो क्लियर हो जाएगा राइट right? सो so, ग्यारह बारह काफी नए स्टूडेंट्स को भी सीट अलॉटमेंट्स होंगी जिनको की फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई होंगी सो सेम प्रोसीजर इज फॉर देम ऑल्सो कि अगर आपको सेकेंड अलॉटमेंट में फ्रेश सीट अलॉट हुई है अगेन यू हैव टू गो टू द फी पेमेंट्स यू हैव टू पे दाउजेंड फीस ऑफ द काउंसलिंग एंड आईदर यू आर टू ऑप्शन अपग्रेड एंड लॉक अगर आपको लगता है कि आपका थर्ड राउंड में अगर आप अप्लाई करते हैं आपका अपग्रेड हो सकता है देन यू क्लिक ऑन अपग्रेड अगर यू वॉन्ट टू लगता है कि ये यू गॉट डिजाइड एन आई टी यू वॉन्ट टू गेट अन दैट देन लॉक एंड आराम से बैठ जाइए अगेन जिन बच्चों ने लॉक की है सीट उनके लिए फिर पार्टी जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा अगर उसको किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी दिखती है आपके डॉक्यूमेंट्स में ही विल बी कॉलिंग यू आप और ही विल बी सेंडिंग ए मेल ऑन योर मोबाइल नंबर ही विल बी सेंडिंग अ मैसेज टिल फ्रॉम फिफ्टीन टू सेवनटीन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी इन डेट के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाएगी राइट सो अगेन बी वेरी वेरी सो सारी कहानी वही घूमती है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप करेक्ट वे से अपलोड करें ताकि कोई इश्यू ही ना हो डिस्क्रिपेंसी का आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर इन टाइम होने चाहिए राइट एंड फाइनली कम्स अ थर्ड राउंड थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन ऑन दैट इज ऑन मंडे थर्ड राउंड की अलॉटमेंट आपकी होगी इक्कीस बारह को सो इक्कीस बारह तक डेयर स्टूडेंट्स काउंसलिंग चलने वाली है इक्कीस बारह दो हजार बीस तक राइट right? सो कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स द फर्स्ट टाइम अगेन सेम केस मैं आपका बोलती हूँ कि हो सकता है मैक्सिम स्टूडेंट्स को काफी स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में भी न्यू अलॉटमेंट्स होंगी बिकॉज आप ये नहीं कह सकते इक्कीस बार तक तो, तो श्योरली 100 परसेंट श्योर है कि मार्सेट और डी और जे अपने रिजल्ट आउट कर चुके होंगे ठीक है तो उस टाइम पर बच्चे ने भी माइंड बना लिया होगा कि तो उसने कहाँ जाना है राइट सो अगेन सेम काफी नए बच्चों को अलॉटमेंट होगा सो अगेन यू हैव टू Uh, अब ये थर्ड राउंड बहुत डिफरेंट राउंड है यहां पर आपको ऑनलाइन फी पे करनी है बट आपके रिपोर्टिंग रिमोट रिमोट रिपोर्टिंग है यू हैव टू टू रिपोर्ट द एडमिशन सेंटर जहां पर भी आपको सीट मिली है राइट सो यू कैन पे द ऑनलाइन फीस टू निमसेट पोर्टल बट प्रोड्यूसिप्ट एन आई टी एंड डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद यू एंड मंडे इक्कीस बारह दो हजार बीस से

so it is with the date and seal and the rubber stamp of the principal and you have to submit this form to the undertake as an undertaking from the college and this is a declaration which is to be given by the candidate so this is again both the forms are very very important the dono forms fill karne attach it's very important please have a look first form i am showing you is the undertaking from the college it must be filled duly by you and signed by the principal right सो इट इज इट इज टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट साइन बाय द प्रिंसिपल और एच ओडी सो ड मैटर कि कौन साइन कर रहा है सीर और सैम कॉलेज क्यों नहीं चाहिए साइन एचओी भी कर सकता है सो so आपको कोई ना कोई तो डेयर कॉलेज में मिल ही जाएगा सो डोंट से मैम कॉलेज में ये नहीं है प्रिंसिपल नहीं है प्रिंसिपल छुट्टी पे है कोविड चल रहा है सो नथिंग ऑफ दैट शॉर्ट इट्स योर फ्यूचर डेयर सो यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस फॉर य्यूचर नाउ दिस इज द डेक्लेन विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो द डेक्लेन फॉर्म शुड बी फिल बायू

जिनको सीट नहीं मिली है वो अपेयर कर सकते हैं और दूसरे वो जिनको सीट तो मिली है बट दे आर नॉट सेफाइड बाई दे अलॉटमेंट दे कैन दे हैव टू सरेंडर देयर सीट राइट जिनके, जिनके, जिनके पास सीट थी जब वो सरेंडर करेंगे दे विल बी गेटिंग बैक नाइन नाइन थाउजेंड इन द बैंक अकाउंट्स जैसी आप सीट रिजेक्ट कर देते हैं सो इमीडिएटली लाइक विद इन अ वीक और सो यू गेट योर अकाउंट क्रिएटेड बाई नाइन थाउजेंड जस्ट वन थाउजेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल फीस विच यू आर डिपॉज इन स्टार्टिंग एज ए काउंसलिंग फी राइट एंड उसके बाद हर एक एनआईटी अपनी वेकेंट सीट निकालेगा कि मेरे पास इतनी वेकेंट सीट हैं उसके बाद जब हर एक एनआईटी अपनी वेकेंट सीट की एक लिस्ट निकाल सके त्रीची में अगर तीन सीटें खाली है कभी ना भी हो क्या पता ना भी हो कोई खाली एस में कितनी है एस में कितनी है जनरल में कितनी है कभी होता है किसी एन के पास कोई सीट खाली भी नहीं होती जैसे सूरतकुल के पास कभी सीट खाली नहीं होती है राइट right? क्योंकि सूरतकुल सबसे प्रेफर्ड एन है वहाँ पर ऑब्वियसली स्टूडेंट जाना पसंद करता है त्रिची प्रेफर्ड एन आई टी है बट काफी सकम चांस ऐसे होते हैं कि जैसे कभी आप देखिए कि किसी बच्चे को जे एन यू में एडमिशन मिल गया उसको लगता है कि जे एन यू इज बेटर फॉर मी मैं दिल्ली का स्टूडेंट हूँ तो वो ही क्विथ एन आई टी त्रिची और सूरतकुल उस केस में वो सीट खाली हो सकती है राइट सो हरे केन आई अपनी वेकेंस सीट अनाउंस करेगा निमसक डॉट इन पे उसके अकॉर्डिंग जिस रैंक पे आपने ड्रॉप किया है फिर अगेन चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी आपको अ फ्रेश फॉर्म ऑफ चॉइस फिलिंग इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू अगेन री लॉग इन एंड फ्रेश चॉइसेज आर टू बी फिल्ड इन द फाइनल राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट जो पुरानी चॉइसेज थी वो नहीं चलेंगी अगेन फॉर द हेल्प फॉर द चॉइस फिलिंग यू कैन कॉन्टेक्ट आर ऑफिस कि मैम मेरा ये रैंक है मैंने इस रैंक पे ड्रॉप की अपनी सीट क्या मुझे मिलेगा और मुझे कैसे अपनी सीट्स भरनी है राइट सो अकॉर्डिंगली हम आपको उस तरह से गाइड करते हैं कि क्या रैंक है इस रैंक पर आपको क्या मिल सकता है राइट एंड इफ अ कैंडिडेट हु हैज गॉट अ सीट इन दिस फ्रेश सीट अलॉटमेंट अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होता है उसको इमिडिएटली एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाता है और इनिशियल फीस टेन थाउजेंड की पे करके उसको अलॉटमेंट लेटर वो ले सकता है एंड देन रिमोट रिपोर्टिंग रिमेनिंग फीस दे हैव टू गो एंड डिपोजिट इन दस हजार आपको ऑनलाइन कन्फर्मेशन करना होता है रिमेनिंग जितनी फीस रह जाती है यू हैव टू गो फॉर द एन आई टी इन द पर्टिकुलर एन आई टी विच इज रॉटेड टू यू एंड फाइनली यू गेट अ सीट राइट सो दिस इज द फाइनल अलॉटमेंट नाउ इसके बाद भी होता है सो so अगर आप ये लेके चलिए कि इसके बाद भी किसी एन आई टी में सीट खाली रह जाती है सो दिस इज देंट्रलाइज

तो मैंने बहुत बार देखा है हमारे स्टूडेंट्स के साथ होता है दे टेक अ चांस अगैन और वहाँ पे आपके फ्रेंड्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं दे कैन गिव यू अर इन्फॉर्मेशन येस सीट्स आर वेकन बट ऑलवेज रिमेंबर एन आई टी अगरतला नेवर पार्टिसिपेट्स इन ऑन स्पॉट आप जब भी देखेंगे एन आई टी अगरतला के पास एन आई ऑन स्पॉट की कोई सीट्स नहीं होती चाहे वहाँ पर सीट्स खाली ही क्यों ना हो पर फिर भी एन आई टी अगरतला नेवर गोज फॉर द ऑन स्पॉट काउंसलिंग्स राइट सो दिस वॉज अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अब बात आती है कि हम लोगों को चॉइस फिलिंग कैसी करनी चाहिए ऑब्वियसली आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग करनी चाहिए जैसा आपका रैंक है और फॉर दिस यू कैन इवेलुएट योर रैंक अकॉर्डिंग टू ग्रोवर्स इन्फॉर्मेशन हमेशा आप ये रखिए कि दो या तीन जैसे अगर आपका रैंक सपोजिंगली मैंने लिया 125 है आपको मिलने के चांस है सूरतकुल ये नहीं कि आप सीधा सूरतकुल ऊपर भरें हमेशा चांस रखिए एक स्टेप अहेड सपोज नहीं आपका बॉर्डर लाइन रैंक है आपका एक सौ एक रैंक है सो ढाई सौ रैंक है दो सौ पैंतीस रैंक है वो बॉर्डर लाइन दो एनआईटीज के बीच का रैंक है सो ढाई सौ में आपको अगर दो सौ पैंतीस में अगर आपको एन आई टी वारंगल मिल रहा है या एन आई टी कैलीकट मिल रहा है तो कैलिकट से हमेशा दो एनआईटी ऊपर भरिए ये आपको हेल्प करेगा जब आप उसको अपग्रेड करेंगे अगर आपको पता है कि आपको कैलकुलेट मिलना है आप सीधा ही कैलकुलेट करेंगे तो अपग्रेड क्या करेंगे आप सो so, हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी आपको एनआईटी जो आपको पुराना लेक्चर डेफिनेटली सुनिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन अगर आप वो लेक्चर सुनेंगे तभी आपको इस लेक्चर का फायदा होगा अदरवाइज इस लेक्चर का भी कोई फायदा नहीं होगा आपको जब आपको पता है कि आपका रैंक कहाँ पे वैल्युएट होगा उससे हमेशा दो या तीन एनआईटी ऊपर भरिए ताकि आपको इसमें अपग्रेडेशन के चांसेस बहुत अच्छे मिलते हैं हो सकता है ऊपर कोई सीट छोड़ दें क्योंकि इस साल हो सकता है कि स्टूडेंट्स अपने रिजन के अकॉर्डिंग भी सीट सिलेक्ट कर सकते हैं मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे हैं क्योंकि आई एम गिविंग द लाइव एग्जाम्पल्स फॉम माई इंस्टीट्यूट ओनली बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि ये प्रेफर कर रहे हैं दे वॉन्ट टू बी इन देर ओन रिजन्स दे डोंट वॉन्ट टू गो टू साउथ और अगर उनको जे एन यू डी मिल जाता है दे विल बी क्विटिंग द सीट फॉर एन आई डी सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन विच आई एम गिविंग अगर मेरे इंस्टीट्यूट में से बच्चे हैं तो हर एक इंस्टीट्यूट में से बच्चे होंगे क्योंकि बच्चों की थिंकिंग कॉमन ही होती है इसीलिए बी अवेयर कि आप जो भी करें वो बहुत ही सोच समझ कर करें राइट right? और अगर आपको कुछ भी करने में डाउट है या अगर आपको कहीं भी डाउट है सो यू कैन द ऑल द नंबर्स हेल्पलाइन नंबर्स ऑफ स्टडीज इन्फॉर्मेट लिमिटेड इट इज गिवन इन द चैट बॉक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो अदरवाइज यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय वेरियस मेथड्स वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू आर यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू आर यूट्यूब पेज यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट सं और आर इंस्टाग्राम पेज that is informats underscore india our facebook page informats india this is our contact number 98721 24534 or you can leave a message in a query box in informatsonline.com we are having a proper query box on informatsonline.com and that is directly linked to all the directors of informats so you app informatsonline.com query darling so this query goes directly to our directors and they will be answering to you as soon as they receive a query and dear students ऑलवेज बी श्योर कि आपने करना क्या है क्या आपके टारगेट्स हैं सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग सो दिस वॉज ऑल अबाउट द काउंसलिंग ऑफ निमसे